आपको पता है बेगम साहिबा, हमारे बराबर वाले हैं ना, उनके यहाँ बेटा हुआ है। हर जगह पहली बहू तो बेटा ही पैदा करती है, ये एक हमारी वाली नहीं नौसर फैला दी। ऐसे नहीं कहते बेगम साहिबा, बेटियां तो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, उनको मनहूस कहना बहुत सख्त गुनाह है। अच्छा मुझे मत समझा, बेटे के अल्लाह की रहमत नहीं होते, उनकी ख्वाहिश करना क्या गुनाह है? तो आप मायूस क्यों होती हैं? अल्लाह ताला तो आपकी ये ख्वाहिश अब भी पूरी कर सकते हैं, बस आप बहू बेगम को समझाइए। वैसे भी अच्छा है, बच्चे साथ साथ पैदा हो जाए ना तो एक साथ पल जाते हैं, और फिर वैसे भी औरत भी सुखी रहती है, और फिर औलाद के साथ साथ औरत भी जवान रहती है। शरीफा, ये क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो तुम मम्मी को? खबरदार जो ऐसी जाहिलों वाली बातें की यहाँ पे। इसमें जहालत की क्या बात है? क्या तुम्हारी बीवी ने बस एक लड़की ही पैदा करनी है? मम्मी फिलहाल एक ही काफी। आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? अगर ये दोबारा प्रेग्नेंट होगी तो इसके साथ साथ बच्ची की जान को भी खतरा होगा। डॉक्टरों की बात तो तुम रहने ही दो, लड़कियों को डराती हैं ये। मम्मी प्लीज आप क्या। तमन्ना तुम इधर आके बैठो, तुम जाओ शरीफा। तमन्ना तुम चलो कमरे में, रेडी होना है तुमने, डिनर पे जाना है। आप जाएं, मैं आती हूँ।